तो शादी के लिए जो है हम लोगों को कुछ करनी है खरीदारी, कुछ ना कुछ कुआं वाला तो रसम रहता ही है। तो हम लोग आगे हैं जी ज्वेलरी शॉप, सोच तो रखा है कि कुछ अच्छा है गिफ्ट करेंगे, बाकी देखिए आगे क्या पसंद आता है। और यहाँ बार का कंफ्यूजन होता है कि आखिर क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। और देख सकते हैं ढेर कितना सारा यहाँ पर निकाल दिया। अभी हम लोग बैठे हुए हैं और क्रेयन शो करके उठाया, और इधर देख सकते हैं मेरा इतना सारा कपड़ा पड़ा है, इसको फोल्ड करना है। और यहाँ पे क्रेयन जो है क्या खा रहे भैया, ये पूरा गंदा कर दिया। इसको मिल गया सोन पापड़ी और अपना खा रहा है ये। पूरा गंदा कर दिया, पूरा नीचे फर्श पे पूरा फैला दिया है। ये जिद कर रहा था लेने के लिए, तो पतिदेव कह रहे थे पूरा गंदा कर देगा, तो मैंने बोला दे दीजिए, गंदा करेगा तो कपड़ा चेंज कर देंगे, लेकिन वो रोएगा तो उससे अच्छा है, बच्चा जिद करने लगता है ना तो वो जिद्दी हो जाता है। तो मैंने बोला लेने दीजिए, वो ले लेगा, उसके बाद गंदा करेगा, ज्यादा ज्यादा फर्श गंदा करेगा और कपड़े गंदा करेगा। वैसे भी वो दिन में 5 से 6 कपड़ा तो गंदा करता ही है। वो खा रहा है अपना, पूरा गंदा कर लिया। अभी उसकी दादी को मन नहीं लग रहा था क्योंकि कुछ देर पहले ही सो के उठा है और आज थोड़ा देर तक सोया है, लेट से सोया भी था इस वजह से अभी तक। तो और अभी बज रहे हैं 6:30, तो मुझे रेडी भी होना है अभी जो है ना, किसी पार्टी में हम लोगों को जाना है। मैंने बताया था ना लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को, इतनी शादी हो रही है इस सीजन में कि डेली कहीं ना कहीं जाना होता है, 1 या 2 जगह। तो पतिदेव दूसरी जगह जाते हैं, हम तो बस एक जगह पे जाओ फिर वापस आ जाती हूँ, क्योंकि क्रियांश हमारे साथ रहता है। तो फिर क्रियांश को भी है कि वो थक जाता है, तो फिर मैं उसको लेके नहीं जाती हूँ, तो पतिदेव या फिर डैडी जाते, हम और माँ नहीं जाते हैं। और अभी इतनी सारी शादियां हो रही है ना, बस ये बात अलग है कि हमारे घर में किसी की शादी नहीं हो रही है। घर में शादी जो होती है ना उसका एक अलग ही मजा होता है। हमारे जितने भी हमारे साथ के क्रिएटर है सबके घर में किसी ना किसी की शादी है, तो मैं सबका व्लॉग देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ना मेरे घर में भी किसी की शादी होती तो हम भी इतना इंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता। और ऐसे रिलेटिव में होता है तो जाओ बस खाना खाओ और आ जाओ, अपने घर की शादी की बात कुछ अलग ही होती है। तो जल्दी से हमारे घर में भी कोई शादी करो और मुझे भी बुलाओ यार, मैं भी जाऊंगी। अभी तो इस सीजन हो या ना हो, लेकिन नेक्स्ट वाले सीजन में हमारे घर में तो 1-2 शादियां तो जरूर होगी। 1 hour later तो जी हम लोग तैयार हैं और हम लोग जाने वाले हैं जी अपने एक भाई के शादी में। जी हाँ, यह जो महीना है दिसंबर जी, यह लगन का ही महीना है और हमारे एक एक करके जो है जितने भी भाई बहन है सभी की एक एक करके शादी हो रही है। तो सभी लोग जाने वाले हैं और इधर क्रियांश भी तैयार है और बहुत पहले से तबाही मचा है वहाँ की, जल्दी निकलो यहाँ से, जल्दी निकलो, जब से कपड़ा पहन लिया और सबको जाता करके जो है उसका जूता चप्पल सैंडल सब जा करके पहुंचा रहा है, जल्दी तैयार हो निकलना है यहाँ से। तो मम्मी पापा बहुत पहले से तैयार है, तो चलते हैं नीचे सबको लेकर के, वहाँ पर मिलते हैं सीधे। तो क्रियांश भी यहाँ पर तैयार है और इसको लेकर के आ गए नीचे और इतनी खुशी है क्रियांश का पूछिए मत, इतना खुश है क्रियांश। चले दादी से मिले, क्रियांश बैठ गया है गाड़ी में और इतना एक्साइटेड है कि ये सोच रहा है गाड़ी इतनी जल्दी चल क्यों नहीं रही है, चल क्यों नहीं रही है गाड़ी। क्रियांश बाबा नहीं जाएंगे, बाबा इधर ही रहेंगे। अब बउआ बोलो क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, बोलो क्या बोलेगा, बोले डांस करो। तो समूचे परिवार के साथ जी हम लोग निकल गए और कुछ ही देर का ड्राइव था, फिर उसके बाद वहाँ पहुँच गए और जब पहुँचे तो देखा कि अच्छी खासी तैयारी हो रखी थी, सभी लोग वहाँ पर मौजूद थे, जितने भी रिलेटिव थे, जितने भी फ्रेंड थे, और साथ में जो है डेकोरेशन सब भी मैंने देखा था काफी अच्छा था, स्पेसियस था। और हम लोग जो है अच्छा था कि थोड़ा पहले पहुँच गए और जब वहाँ पहले पहुँच तो बहुत लोगों से जो है मिलने का मौका मिला। तो सबसे पहले चले गए हम लोग स्टेज पर जाकर के भैया से मुलाकात किया, भैया और भाभी दोनों से मुलाकात हुई और साथ में जो हमारी बहनें सब भी थी वह सब भी थी स्टेज पर। लगभग हम लोगों की मुलाकात जो है 10-11 साल बाद हुई और काफी अच्छा लगा उनसे, कई दिनों बाद मुलाकात करके अच्छी खासी बातचीत चली। और वहाँ पर स्टेज पर मिलने के बाद, मुलाकात करने के बाद जो है फिर हम लोग आ गए जी स्टेज के नीचे। और जब नीचे आए तो हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सब्सक्राइबर यहाँ पर मिल जाएंगे, बहुत सारे सब्सक्राइबर मिले, सभी से अच्छी खासी बातचीत हुई और जिया तो उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे लग रहा था कि बहुत पहले से एक दूसरे को जानते हैं, ऐसा फील हुआ ही नहीं कि हम लोग जो है पहली बार मिले हैं। और काफी अच्छा लगा, आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट देते हैं और आप ही लोग की वजह से जो है हमारी यह फैमिली जो है सोशल मीडिया बहुत ही ज्यादा बड़ा होता जा रहा है और इस बड़े से फैमिली में जो है काफी अच्छे अच्छे लोग सब भी मिल रहे हैं। तो थैंक यू आप सभी का। सभी से मुलाकात करने के बाद जी फिर बारी थी मम्मी को, अपने जितने भी स्टाफ थे उन सभी के साथ मुलाकात करने की, तो मम्मी सभी से मिली और काफी अच्छा लगा और सभी के साथ जो है हम लोगों ने फोटो शूट सब भी किया। और फिर बारी थी जी खाने पीने की, तो खाना पीना का भी जो है अच्छा खासा इंतजाम था और सबसे अच्छा मुझे लग रहा था एक पान वाले भैया थे सामने, उनका जो पान का जो काउंटर मुझे देखने में बड़ा अच्छा लगा जी, जितना अच्छा काउंटर था उतना ही अच्छा पान का टेस्ट भी था। हम दोनों ननद भाभी हैं। अच्छा हाँ, बाबा के दोस्त हैं इनके फादर। हाँ हाँ, और हम लोग दोनों भूले हुए थे। अच्छा ननद मुझे भूल गए, हाँ जी कृपा हुई,
अवसर पर इतफाक हम दोनों मिल गए, फिर से नया रिश्ता आरम्भ हो गया। अच्छा, तो अभी हम लोग आ गए हैं घर और हम खा रहे हैं पान। पार्टी में जो हमने पान लिया था वो खा नहीं पाए थे तो गाड़ी में रख लिया था, अभी मैं खा रही हूँ पान। बहुत अच्छा लग रहा है, मीठा वाला पान है। पतिदेव के लिए भी ले आए थे तो वो भी खा लिया। आप खा लिए बेटा? ये शीशा का है, टूट जाएगा। बाय ज्ञान। Next day. तो अभी बज रहे हैं जी शाम के 4:15 और हम जो है निकलने वाले हैं मार्केट। और क्रियांश जो है अभी सोया हुआ है, अच्छा है कि अभी कुछ देर तक सोया हुआ है, तो हम लोग को मौका है कि यहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग को मार्केट निकलना है जी खरीदारी करने के लिए। घर में जो है बहुत शादी है और अपने जितने भी रिलेटिव है बहुत जगह हम लोगों को जो है शादी को अटेंड भी करना है, तो उसके लिए जो है हम लोगों को कुछ करनी है खरीदारी। तो शादी के लिए जो है ड्रेस और जो गिफ्ट होगा वह सब चल करके लेते हैं। तो अभी आ गए हम लोग मंदिर, तो चलते हैं पूजा करके आते हैं। बिल्कुल चलते हैं, दो मिठाई दे दो। तो पतिदेव यहाँ कुएं से पानी निकालते हुए बिल्कुल रस्सी भी पतला है, कभी भी टूट जाएगा ये। अच्छा, उसे कितना बाल्टी अंदर गया होगा, कोई ठीक नहीं है। और यहाँ देखिए ना, कुआं पे पूजा करने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं। शादी का समय चल रहा है, इसमें कुछ कुआं वाला तो रस्म आता ही है। एक रस्म तो फिक्स है हमारे इधर। बिल्कुल। A few moments later. तो हम लोग आ गए हैं जी ज्वेलरी शॉप, तो हम लोग चलते हैं वहाँ पर और चल करके जो है कुछ गिफ्ट के लिए लेते हैं। सोच तो रखा है कि कुछ अच्छा है गिफ्ट करेंगे, बाकी देखिए आगे क्या पसंद आता है। ठीक है, चले क्या लिया जाए। और ये हर बार का कंफ्यूजन होता है कि आखिर क्या लिया जाए क्या नहीं लिया जाए। तो यहाँ इतना सारी सब देखा गया था और देख सकते हैं ढेर कितना सारा यहाँ पर निकाल दिया गया। ऐसा था ना कि पहली बार ऐसा हुआ, हाँ। कि पहली बार में जो भैया एक बार में दिखाया ना वो चीज मुझे पसंद आ गया, लेकिन फिर भी देखे जा रहे उसको जो साइड करके रख लिए, तो लिए वही जो पहले दिखाया गया, जो पहले पसंद किया गया। तो हमने लड़की का कपड़ा तो ले लिया, जिसका जिसका और सबका लेना था वो सब ले लिया। अभी मैं आ गई हूँ रेमंड शोरूम, तो चलते हैं अंदर। One hour later. तो जैसे ही घर आए हैं तो देख सकते हैं क्रियांश की खुशी, जैसे ही मम्मी पापा को देखा हंसना बंद कर दिया और सभी का जो है पैर भी छुआ है अभी। मम्मा को दे करो, पैर इसलिए छूता है, हाँ। इसको इस बात की शंकर होती है, मम्मी पापा पास दादी नहीं जाने देगी, दादी को पैर छू। हम लोग शॉपिंग करके आ गए हैं, मम्मी देख रही है कि आखिर क्या क्या लाया गया है। ये किसका है? आभा का। हाँ, ये हमारी छोटी मौसी का है। एक बार में ये कलर पसंद आ गया तो उसके बाद कितना देखे फिर भी हमको पसंद है। पहली बार जो देखे ये हमको लगा बहुत अच्छा लगेगा। ये भले छठ में पैसा नहीं दिया, साड़ी दिया सबको, जितना पैसा सबको दिया उतने में साड़ी हो गए, उतने साड़ी हो गए। साड़ी देखे पैसा तो ऐसे आता है जाता है, खुश हो जाएगी। साड़ी अपना पसंद से खरीदती है, सिलू का। हाँ, शादी वाली लड़की, ये सिलू का है। सिलू का मामी का चूड़ी पसंद है, मामी का क्या लक्ष्मी पति, किसका भाभी का, मेरी भाभी का, तुम्हारी भाभी, भाभी हम लोग की मामी। ठीक है, इसका सही बात सुन। तो सभी लोग आ गए हैं जी, अब अपने रूम में हैं और यहाँ जो है करके पहले ड्रेस चेंज करना है। और क्रियांश भी आ गया है और क्रियांश के हाथ में जो है क्या है अभी आपको दिखाते हैं, ये देखिए। देख रहे हैं क्रियांश के हाथ में क्या है, मोमो, मोमो, मोमो। तो क्रियांश का मोमो भी बड़ा अच्छा लगता है, तो उसका क्या करते हैं हम लोग जो मोमो के अंदर का पार्ट होता है तो वह उसको खिला देते हैं और बहुत मजे में खाता है। हाँ, गोभी अंदर का जो रहता है।